हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ये डिफरेंशिएशन मैथ्स के लिए भी है और इसको फिर बाद में हम लोग इसके थ्योरीज को या इसके प्रिंसिपल्स को इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई करके देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो यहाँ दिया हुआ है y इज ए फंक्शन ऑफ x, जिसमें कि x है इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड y इज डिपेंडेंट। सो एनी चेंज इन x ब्रिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। यहाँ लिमिट दिया हुआ है, जब हम व्हाट इज लिमिट दिया है और इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब चेंज को जब हम देखते हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, लाइन का ग्रेडियंट बोलते हैं, टैन थीटा बोलते हैं, या मार्जिनल फंक्शन। तो जब हम दिया हुआ फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, उसका स्लोप भी होता, स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है, या टैन थीटा होता है, या मार्जिनल फंक्शन होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, चेंज किस में, चेंज वाई में। कैसे, एज ए रिजल्ट ऑफ यूनिट चेंज इन एक्स। एक्स में अगर एक चेंज होता है तो वाई में जो चेंज होता है उसको हम डी वाई बाई डी एक्स से दिखाते हैं। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के चार रूल्स हैं जिसको कि हम एक एक करके देखेंगे। आज हम पहला रूल देखेंगे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में है फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको पावर रूल भी कहते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट रूल, तीसरा है कोशेंट रूल, और चौथा है चेन रूल, या इसे हम फंक्शन ऑफ ए फंक्शन रूल कहते हैं। तो आज एक सम को हम पावर रूल से सॉल्व करके देखेंगे। ये ना क्वेश्चंस आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक्स में भी कि इफ वाई इज द प्रूफ थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल और पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए ये क्वेश्चन आता है कि प्रूफ थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल और पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ वाई इज x to the power n and limit is given delta x tends to 0, delta y by delta x is equal to delta y by delta x n x to the power n minus 1। तो ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, इसको पावर रूल से प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन एमए के एग्जाम में, ऑनर्स के एग्जाम में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी आता है कि रूल से डिफरेंशिएशन का, ये रूल से प्रूफ कीजिए। तो शुरू करते हैं, क्लियर है यहां तक कि क्वेश्चन क्या करना है हमको, इसको पावर रूल से प्रूफ करना है। तो ये दिया हुआ है हमारा कि वाई इज इक्वल टू एक्स बाई एन और लिमिट ये दिया हुआ है, तो वी हैव टू प्रूव दैट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ। तो ये है y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो क्या है कि x कोई भी, अब हम इसको अज्यूम करते हैं कि लेट x और y बोथ चेंज बाय डेल्टा y एंड डेल्टा x, लेट x एंड y चेंजेस बाय डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, दोनों में हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से चेंज करते हैं, तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, जो ये हमारा इस फंक्शन को हम, ये जो हमारा फंक्शन है इसमें हम अब चेंज कर रहे हैं, तो हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर एन। x का पावर n है तो x में हम डेल्टा x चेंज कर दिए, तो ये पावर x इसका रेज हो गया डेल्टा x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर n। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा y को इधर रखते हैं और y को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x टू द पावर n और ये y इधर आएगा और लिखते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। क्लियर है, ये वाई को हमने इधर ले आए हम, तो अब ये क्या हो गया कि वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर एन, और वाई की जगह पर हम एक्स एन लिख सकते हैं क्योंकि वाई बराबर दिया हुआ है एक्स एन, वाई बराबर एक्स एन दिया हुआ है ना,
तो इसको हम y की जगह पर यहां लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा, और थोड़ा इधर से करते हैं, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। जब भी किसी को एन का पावर है तो हम जब भी एक्सपैंड करेंगे तो वो उसका एक्सपेंशन एन प्लस वन टर्म्स तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन, करते हैं एक्स टू द पावर एन, फिर प्लस एन सी वन बाइनोमियल एक्सपेंशन आप जानते हैं, इसलिए हम उसको उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन डेल्टा एक्स प्लस, ये एन तक है तो ये अप टू एन तक जाएगा, इसलिए हम इसका दो ही डिजिट तक लेकर देख लेंगे, एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी प्लस नहीं होगा यहां पर, इन टू है इसलिए ये प्लस नहीं होगा, जब तक ये सूख रहा है, इन टू यहां डेल्टा एक्स, इसको हम बाद में फिर कर देंगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस ये अप टू एन तक जाएगा, इसलिए अंत में हम लिखेंगे टू द पावर डेल्टा एक्स एन, डेल्टा एक्स एन, और ये माइनस एक्स एन हमारा अभी है ही, उसको लिखेंगे माइनस एक्स एन, क्लियर है। इसको हम फिर से एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके। तो सीधा करके लिख रहे हैं या दूसरे पेज में लिखते हैं, तो जब हम इसको एक्सपैंड किए, फिर से डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स और डेल्टा एक्स एन माइनस, वाई की जगह पर हम एक्स एन ले आए थे, यहां तक क्लियर है, इसको अब एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, उस फिर से, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स एन से मल्टीप्लाई हुआ एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर हम इसको एन तक एक्सपेंड करेंगे, इसलिए यहां पर ये आ जाएगा प्लस डेल्टा एक्स एन, और ये माइनस एक्स एन इसके बाद लिखेंगे माइनस एक्स एन, मतलब इसको हमने दो पावर तक एक्सपेंड करके एन तक कर दिया, डेल्टा एक्स एन तक, और ये अप टू एन में कितना भी नंबर तक हम जा सकते हैं, लेकिन इसको हमने यहां तक करके छोड़ा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये माइनस एक्स एन और ये प्लस एक्स एन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम तोड़ते हैं, तो ये क्या होगा, हम जानते हैं कि यहां पर लिखे हैं, इधर कहां लिखे, सिंस यहां पर लिखते हैं, वी नो कि एन सी वन इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी वन इज इक्वल टू एन होता है, ये हमें पता है पहले से, है ना, एन सी वन ये ऊपर, इसका पावर ऊपर जाएगा, ये यहां बगल में नहीं लिखाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ये यहां पर लिखाएगा थोड़ा ऊपर, जैसे इसमें लिखाया है ना वैसे, तो ये हो गया, तो एन सी वन इज इक्वल टू एन होता है, ये पता है, तो ये हो गया एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू प्लस डेल्टा एक्स एन, ये बीच में हम जगह छोड़ दिए हैं कि और भी आइटम जा सकता है।
अब क्या करेंगे कि हम इसको वी डिवाइड बोथ साइड्स यहां तो ये डेल्टा वाई है ही हमारा और लिखते जाए तो साइड्स बाय डेल्टा एक्स दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन ये पूरा एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स एन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ठीक है तो अब इसमें क्या हम देखते हैं कि ये डेल्टा एक्स कैंसिल ये डेल्टा एक्स और इसका स्क्वायर कैंसिल और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा यहां ये कैंसिल होके एन माइनस वन हो जाएगा तो क्या बचा हमारा डेल्टा वाई और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर एन माइनस वन ये बच गया हमारा अब हम क्या करेंगे ये आ गया हमारा अब इसको हम सॉल्व करेंगे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाएंगे यहां पर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स यहां लिमिट क्या है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ठीक है तो ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन प्लस यहां डेल्टा एक्स क्या है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो तो ये हो जाएगा एन सी टू एक्स एन माइनस टू इंटू जीरो सिंस डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो फिर प्लस करके फिर यहां आएंगे तो ये डेल्टा एक्स एन माइनस वन है तो ये जीरो हो गया डेल्टा एक्स जीरो एन माइनस वन तो जीरो हो गया ये तो ये भी खत्म बचा क्या तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा बचा एन एक्स एन माइनस वन क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होके खत्म ये डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो ये हमारा आंसर हो गया हमने प्रूफ कर दिया क्या प्रूफ करना था प्रूफ यही करना था ना कि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू तो हमने प्रूफ कर दिया कि देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट If y is equal to x to the power n, then limit यहां delta y by delta x limit में delta x tends to 0 is equal to dy by dx is equal to n x n minus 1 ये प्रूफ हो गया ना
सो दैट्स ऑल। इसको हम एक और सम से समझ लेते हैं ताकि हम इस पे दिक्कत ना हो। ये एन से देखा हमने, अब एक सम को हम देखते हैं। ये सम लेते हैं कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 3, देन प्रूव दैट डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। देखने से तो ये तो वैसे हो जाएगा, लेकिन हमको इसको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ होगा? फिर हम लोग वैसे ही प्रूफ करेंगे कि वी विल इफ एक्स एंड वाई, ये एक्स और ये वाई चेंजेस बाय डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ठीक है। अब क्या करना है, तो क्या होगा फंक्शन, देन y इज इक्वल टू एक्स थ्री विल बी क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x टू द पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि y को इधर रखेंगे और डेल्टा y को उस साइड ले जाएंगे, और y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का पावर 3 माइनस डेल्टा y को रखेंगे, सॉरी डेल्टा y को इधर रखेंगे, एक मिनट, हाँ डेल्टा y यहां रहा, ये y इधर जाएगा, माइनस साइन बदल जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस y यहां, या फिर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर 3, और वाई का क्या दिया हुआ है यहां पर, हमारा क्वेश्चन में दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, तो वाई की जगह पर हम लिख दिए एक्स 3, यहां पर हम लिख देते हैं सिंस वाई इज इक्वल टू एक्स 3, तो यहां पर वाई का पावर हमने एक्स 3 लिख दिया। ये लिख देने से क्लियर रहेगा आपका। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करके, तो एक्सपैंड कैसे करेंगे, अब इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ये होगा और डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा क्यूब एक्स, ठीक है, ये डेल्टा स्क्वायर एक्स डेल्टा क्यूब एक्स लिखाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि और माइनस एक्स थ्री, इसके बाद हमारा है माइनस एक्स थ्री, ठीक है, तो ये एक्स थ्री और ये एक्स थ्री कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो इधर क्या हो गया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा क्यूब एक्स बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये कैंसिल, इसका पावर ये कैंसिल, इसका पावर ये हो गया 2 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस
थ्री एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, अब ये हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहां हमें अब लिमिट लगाना है, लिमिट क्या है कि लिमिट है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, यही लिमिट था ना, यहाँ सॉरी यहाँ डेल्टा एक्स यहाँ दिया हुआ है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जीरो टेंड्स कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि ये डेल्टा, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, और चूंकि प्लस थ्री एक्स इंटू जीरो प्लस ये भी जीरो, तो हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, ये दोनों जीरो हो गया, तो हमारा प्रूफ हो गया ना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, ये आंसर प्रूफ हो गया। क्लियर है, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया था कि y इज इक्वल टू एक्स बाई थ्री देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज थ्री एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया कि x और y को डेल्टा x और डेल्टा y से चेंज किया, तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर q जो दिया था वो क्या हो गया y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x टू द पावर थ्री। अब क्या किए कि डेल्टा y को इधर रखा और y को इस साइड ले गए, तो डेल्टा x प्लस डेल्टा x क्यूब टू द पावर होल पावर क्यूब माइनस y, अब डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल होल टू द पावर क्यूब माइनस y इज इक्वल टू, हमने लिख दिया y की जगह पर x थ्री क्योंकि ये दिया हुआ था। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड किया तो ये आया एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स थ्री एक्स डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा क्यूब एक्स और माइनस एक्स थ्री। अब इसमें ये प्लस एक्स थ्री और ये माइनस एक्स थ्री कैंसिल हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, तो दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद हमने क्या देखा, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, इसमें का ये डेल्टा एक्स और ऊपर का एक डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया और इसमें का एक डेल्टा एक्स और ऊपर का एक डेल्टा एक्स कैंसिल होकर ये डेल्टा स्क्वायर एक्स बचा। अब क्या हमारे पास आया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स। अब हमने देखा कि लिमिट डेल्टा एक्स का लिमिट जो है क्या है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो हमने वो डेल्टा एक्स का लिमिट लगाया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू जीरो प्लस जीरो, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये सारे कैंसिल हो गए और हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया थ्री एक्स स्क्वायर, हमें यही प्रूफ करना था तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सो दैट्स ऑल कि इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएशन पावर रूल से किया, ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। थैंक यू।